अस्सलाम वालेकुम। अपने प्यारे मोजेस कस्टमर्स की फरमाइश पर आज फिर से पेन कुरान का रिव्यू लेकर आए हैं, जो बड़े हरूफ में है और बहुत अच्छा और आलिया किस्म के फंक्शन में। इसका सबसे पहले वारंटी कार्ड है, ये 5 ईयर वारंटी कार्ड होता है और इसकी 1 साल की पार्ट्स की वारंटी होती है और 4 ईयर्स की जो है ना इसकी सर्विस वारंटी होती है। और ये इसका पेन है, काफ़ी यूनिक सा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी कैप है, मतलब आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट बटन होता है, इसको आप क्लिक करें तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके वॉल्यूम के बटन है, यहाँ से आप इसको स्लो कर सकते हैं और यहाँ से इसको तेज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुरान पाक भी दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा है और बहुत जबरदस्त और खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और इसके बाद आपको वाकियात की बुक दिखा दूं मैं, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो है वाकयात हैं इसमें और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और भी आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये आज ज़रा तफसीली और लॉन्ग वीडियो होने वाली है हमारी फुल रिव्यू में, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये चीज़ आ रही है। और ये सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं, फिर हजरत साले अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं। और अगर आप इसको चलाना चाहें तो आप इसके ऊपर बाइक से क्लिक करेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और भड़क यार, ठीक है, और ये पढ़ने शुरू हो जाएगा। आग हर चीज को जला देती है ना। दन्ने अहमद ने अपने वालिद, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन के लिए तो हर चीज को जला किताबते हैं, और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो किसी को भी ना जलाए। और इसके बाद जो है ना इमानियात की थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से ये किताबचे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो बाहर से इसको क्लिक करके मैं आपको एक वाकया पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको अंदर। ये इसमें पहले है, सबसे पहले कलमा तैयबा है, कलमा शहादत है, फिर ये मसनून दुआएं हैं, ठीक है। और यहाँ अगर इसको आप पढ़ना चाहें ना, मतलब ये मस्जिद में दाखिल होने की, ठीक है। फिर ये जी सीरत रसूल, ठीक है, इसमें से अगर आप सुनना चाहते हैं वालिद वालदा तो ये यहाँ पर क्लिक करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा माजिदा का नाम आमिना था। चलें अब आपको जरा मुख्तसर सा बताते हैं। इसमें चहल रब्बना है, इसमें आपके डेली के अस्कार होते हैं, ठीक है। फिर आसान वजू का तरीका है और आसान नमाज और इस तरह के रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स की, ये देखें, ये सारे काफ़ी सारे कार्ड्स वगैरह हैं जो आप अपने बच्चों को इसमें सिखा सकते हैं। फिर ये इसका तारफी किताबचा है, ठीक है। और फिर जो है प्यारे नबी की प्यारे दुआओं की किताब है। और फिर है आखिर में इसमें नौरानी कायदा है। और ये देखें, ये पारे हैं और फजाइले अमाल है। और ये वाला कौन सा है, ये अमा पारा है, ठीक है। और ये फजाइले माल और नौरानी का काम है। अब आपको पेन कुरान की तरफ लाते हैं और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये चीज आ गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये कुरान पाक के स्टार्ट से आपको बताते हैं। और सबसे पहले सूरह फातिहा है, और इसमें सबसे पहले आपने अगर तिलावत कुरान पाक सुननी है तो आप इसमें कारी सुदेस साहब पर या किसी भी कारी पर क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने कारी पर सेलेक्ट कर दिए। और अगर आप कोई आयत छोटी सी सुनना चाहते हैं तो आयत पर क्लिक कर दें। और अगर आप फुल आयत या फुल एक पारा सुनना चाहते हैं तो सफ़े नंबर पर क्लिक करें। ये लगातार नॉन स्टॉप पढ़ता रहेगा पेन कुरान जब तक इसकी बैटरी चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद इसमें भी यहाँ से वॉइसेस का जो है कम करने का, तेज करने का ऑप्शन है। फिर इसके बाद वर्ड टू वर्ड इसमें तजवीदी होता है, अगर जो अपने अल्फाज के तलफ़ सही करना चाहते हैं उनके लिए। ये मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको, वर्ड बाय वर्ड तजवीद, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ कुरान पाक की तजवीद सुनने के लिए। यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप किसी भी वर्ड पर क्लिक करें। तो आप इसे अपने अल्फाज तलफ़ वगैरह सारे दुरुस्त कर सकते हैं।
फिर इसके बाद ये है वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा है, ठीक है, तर्जुमा आप सीख वर्ड सकते हैं, वर्ड पढ़ बाय सकते वर्ड हैं, तर्जुमा जो लोग जो लोग जैसे अलिफ्लामीम, ये किताब कोई शक नहीं। ठीक है इस तरह से। फिर अब इसमें तफसीर वाला, अभी इसमें एक फंक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं, ये तफसीर है, ठीक है, यहाँ पर आप तफसीर का नंबर आ रहा है चौथे नंबर पे, तो आप इसमें क्लिक करेंगे तफसीर और इसके बाद आप आयत पर क्लिक कर दें तो ये इसकी तफसीर आपको बताएगा। इस किताब में कुछ शक नहीं, तफसीर यानी इसके कलाम इलाही होने और इसके जुमला मजामीन के वाकई होने में कुछ शुबा नहीं। जानना चाहिए कि किसी कलाम में इश्तबा होने की दो सूरतें हैं, ठीक है, या अब तो इसके बाद हम कलाम आपके को पास आते हैं मुतरजम उर्दू समझना तर्जुमे के साथ। या अगर आप सुनने वाले के तर्जुमा जहन में उर्दू में खत्म सुनना चाहते उर्दू। हैं तो उर्दू में तर्जुमे, सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। अच्छा अब इसके बाद इसमें पंजाबी, पश्तो, सराइकी, भरोही, सिंधी और इंग्लिश में भी तर्जुमे, तो आप ये भी सुन सकते हैं। जैसे मैं एक सिंधी का करके बताता हूँ क्योंकि अक्सर सिंधी ये कम कुरान पाकों में आता है सिंधी का तर्जुमा, तो ये लें। सारा जहान के पालनहार अल्लाह की जुगाई, और नेक्स्ट पंजाबी पे, पंजाबी सारिया तरीफा रब लई नहीं जिड़ा सारे जहान का पालनहार है। पश्तो पश्तो आखरी है। टोल तारीफुना अल्लाह द पारदी जिदा टोलो मखलूकातु पालुन के लिए। और अब ये मैं आपको एक दफा वॉइस का भी बता दूं यहाँ से, ये कम स्लो जो होती है ये यहाँ पर करेंगे तो कम होने शुरू हो जाएगी, और ये मैं आपको कारी सिलेक्ट करके पहले शेख अब्दुल रहमान यहाँ पर मैं असुदैस क्लिक करता हूँ ना, अब इसकी आवाज़ कम है तो अभी तेज करते हैं, ठीक है, अब इसके बाद आपको कम करने वाली बताता हूँ, ये देखें आवाज कम हो गई है, यहाँ क्लिक करूंगा तेज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक पेपर होते हैं और ये इसके अंदर सेंसर होते हैं, ठीक है, तो ये किसी और कुरान पाक पर ये मॉडल या पेन ये काम नहीं करते, ये सिर्फ अपने ही पेन कुरान को कुरान के ऊपर जो है ये काम करता है। तो आज के लिए यही हमारी वीडियो थी, तो बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।